الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا अब का मां काला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, शाबान की तकरीबन आज 19 तारीख है और ये शाबान का महीना हमारे और आपके लिए कि रमज़ान की तैयारी करने के लिए, इस महीने के अंदर रमज़ान की तैयारी ज़ाहरी एतबार से, बातिनी एतबार से, कारोबार के लाइन से, काम के लाइन से, मशगूली के लाइन से तैयारी करने का महीना है। हत्ता के रमज़ान मुबारक के रोज़ों का प्रैक्टिस करने का और रमज़ान में नफल का, कुरान पाक की तिलावत की प्रैक्टिस करने का ये महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रैक्टिस करके भी दिखाया और अमल करके भी दिखाया और रमज़ान के अंदर अपने निज़ाम को, शेड्यूल को बनाकर भी दिखाया और बराबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरगीब देते थे। रमज़ान का जब महीना करीब आता तो सहाबा को जमा करते और जमा कर कर कहते थे, देखो तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आने वाला है जो रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, जिसके अंदर अल्लाह की मगफरत, रहमत और बरकतें बारिश की तरह बरसते हैं और समुंदर के तरह से, समुंदर से भी बड़ी गहराई। बल्कि एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि रमज़ान के महीने की जो बरकत है पूरे साल के महीनों की बरकत की मिसाल मुनासिबत इस तरह से है जिस तरह पूरे समुंदर के मुकाबले में एक पानी के ख़तरे का। तो पूरे साल की जो बरकत है उस बरकत के एक कतरे की मिसाल है और पूरे रमज़ान की जो बरकत रहमत है उसके समुंदर की मिसाल है, तो कहाँ मुकाबला कर सकता है। इस महीने के अंदर नफल की फ़र्ज़ का बराबर दिया जाता है दर्जा, उसका नफल का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और इसी तरह से इस महीने के अंदर रमज़ान के महीने में जो फ़र्ज़ है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी आप जुमे की एक नमाज़ पढ़ेंगे 70 जुमे की नमाज़ की आपको सवाब मिलेगी। एक जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे 70 जोहर के फ़रज़ बाजमात आपको सवाब मिलेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए इसके अलावा जितने काम हो सकते हैं नेकी के, उसके सवाब, उसके अजर बढ़ते जाएंगे। हत्ता कि आप सदका करें, खैरात करें, नेकी का काम करें, मुंह से अच्छा बोलें, ज़बान से अच्छा बोलें, इन तमाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर सवाब को ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको इस महीने में जितना रोज़ा रखते हुए देखा है उतना किसी महीने में रोज़ा रखते नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का महीना अक्सर लोग गफलतों में गुजार देते हैं, हालाँकि ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के लिए तैयारी करने का मौका दिया था। इस महीने में हम तैयारी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस के अंदर कि रमज़ान मुबारक के लिए जन्नत को पूरे साल सजाया जाता है और जन्नतियों के लिए उसको बनाया जाता है, संवारा जाता है, सजाया जाता है और कहा कि ठीक रमज़ान की जब एक तारीख होती है तो अल्लाह के अर्श के नीचे से एक हवा बहती है, वो हवा अल्लाह के अर्श के नीचे से जो दरख्त हैं उस दरख्त के पत्तों से होकर गुज़रती हैं और फिर वो खूबसूरत हूरों के पास जाती हैं,
तो वो हूरें कहती हैं कि या अल्लाह अपने नेक बंदों में से हमारे लिए जोड़े अता फरमा कि जिनकी जिनके ज़रिए से हमारी आंखों को ठंडक पहुंचे और हमारे ज़रिए से उनकी आंखों को ठंडक पहुंचे। ये जन्नत की हूरें कहती हैं। शाबान का महीना तैयारी का महीना है। एक तैयारी ये है कि हम इसके लिए कुछ रोज़े रखें ताकि रमज़ान के लिए तैयारी हो जाए, नवाफिल का एहतमाम करें ताकि रमज़ान में हम नवाफिल कसरत से रख सकें। और इसके अंदर और एक बात है कि 15 शाबान के बाद ज़्यादा रोज़े न रखें। एक आध रोज़ा कोई रख ले जो ताकतवर आदमी है, 15 शाबान के बाद आम तौर से उलमाए किराम ने मुहद्दिसीन ने कहा कि रोज़ा न रखे, क्योंकि अगर 15 शाबान के बाद ज़्यादा रोज़ा रखेगा तो फिर रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों में सुस्ती और काहली आ जाएगी, उसमें कमज़ोरी आ जाएगी। इसलिए कहा 15 शाबान से पहले पहले चाहे तो पूरे रोज़ा रख ले। दूसरी तैयारी ये है कि अपने कारोबार का, अपनी दुकान का, अपनी तिजारत का, अपनी मशगूलियात का इस महीने के अंदर पूरी शेड्यूल बनाएँ, पूरे निज़ाम बनाएँ, तरतीब बनाएँ, बदाफ्ता लिख कर तरतीब बनाएँ कि हम किन किन कामों को रमज़ान में छोड़ सकते हैं। और अगर उन कामों को नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उन कामों में कमी तो कर सकते हैं, और उन कामों को छोड़कर उनमें कमी करके उन अवकात को हम ज़्यादा से ज़्यादा नफल में, कुरान पाक की तिलावत में, तस्बीह में और इसी तरह से अच्छे और नेक कामों में हम उसको लगाएं। ये एक तरह से रमज़ान की तैयारी। और दूसरा उलमा इकराम ने यह भी कहा कि भाई ईद के मौके से रमज़ान मुबारक में मार्केट किया जाता है, बाज़ार में कपड़े ख़रीदना हुआ, सिवैया ख़रीदना हुआ और तरह तरह की चीज़ें, तो ये हमारे लिए इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि मुसलमान रमज़ान मुबारक में भी मार्केटिंग करें। हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा नहीं है, हमारे बड़ों ने ये कहा कि रमज़ान मुबारक की जो मार्केटिंग करनी है, खाने पीने की हो, कपड़े लाते की हो, वो सब रमज़ान से पहले कर लें, ताकि रमज़ान में हमारे रोज़े ख़राब ना हों, हमारी आंखें ज़िना ना करें, हमारे हाथ गलत चीज़ को न छुएं, न पकड़ें, गलत जगह हमारा पैर न जाए। रोज़ा रखने की हालत में हम बदनज़री कर लिए, रोज़ा रखने की हालत में भी अगर हमारा दिल पाक नहीं, नज़र पाक नहीं, तो हमारे रोज़े का क्या काम है। अल्लाह कहता है कि रोज़े के बावजूद अगर तुम्हारी निगाह पाक नहीं है, तुम्हारा दिल पाक नहीं है, तुम्हारी आँखें पाक नहीं हैं और तुम्हारा कल्ब साफ नहीं है, तो अल्लाह को ऐसे भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मुकद्दस महीना है, इसलिए इस महीने के अंदर घर के जो सामान है, राशन है, उसके भी आप क्या कर लें, घरवाली से बैठकर, घर वालों से बैठकर आप मशवरा करें कि भाई हम ऐसे काम कर लें, ऐसे इंतज़ाम कर लें कि रमज़ान में आप हमको मत कहो मार्केट के लिए, आटा चावल दाल के लिए, उसी तरह से सेवई के लिए, कपड़ों के लिए, जो कहना है अभी कर लो कर लेते हैं। रमज़ान में हम मिलजुल कर शेड्यूल बनाएंगे, घर का भी माहौल बनाएंगे, बच्चे बच्चियों का भी माहौल बनाएंगे, महल्ले का माहौल बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए। तो एक रमज़ान की एक तैयारी हुई। और एक तो ये तैयारी है, दूसरी एक तैयारी जो सबसे बड़ी तैयारी कि भाई रमज़ान से पहले दिल की तैयारी है, रमज़ान से पहले अपने दिल की तैयारी है। सारा तो मसला दिल का है, अपने दिल को पाक कर लें। हम मस्जिद में देखिए ना, एक दिन अगर मस्जिद में झाड़ू ना लगे तो मस्जिद की क्या हालत होती है, हम सजदा नहीं कर पाते, सेहन गंदा, मस्जिद गंदी, घर के अंदर झाड़ू ना लगे दो तीन दिन तो घर की क्या हालत होती है, अगर उस घर में बच्चे हों तो क्या हालत होगी। तो हमारे जहनों में ये बिठा दिया गया, हमने ये समझ लिया कि अगर झाड़ू नहीं लगी तो घर गंदा हो जाएगा, मस्जिद के अंदर सफाई नहीं हुई तो मस्जिद गंदी हो जाएगी, सहन के अंदर सफाई नहीं हुई तो सहन गंदा और होगा ही। इसी तरह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दिल की भी सफाई है। जिस तरह से झाड़ू न देने से गर्द गुबार मस्जिद के अंदर आ जाते हैं, घरों के अंदर घर गंदा हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे ये दिलों के अंदर गर्द गुबार आते हैं। इस दिल की सफाई के बगैर हमारे अमल मकबूल नहीं है। दिल की सफाई ज़रूरी है, दिल की सफाई नहायत ही ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मेरी बहुत बड़ी सुन्नत है
दिल की सफाई, किसी ने कुछ कह दिया उसको माफ़ कर दें, और किसी को कुछ कह दिया है तो उससे माफ़ी मांग लें, दिल से निकाल दें, फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसे कहा, वो सब छोड़ दें अल्लाह के वास्ते, अल्लाह से कह दें कि अल्लाह हमने तेरे वास्ते इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, दिल को पाक कर लें। इसमें दुनिया का भी नफ़ा है, दीन का तो नफ़ा है ही। दुनिया के अंदर क्या नफ़ा है, आपकी सेहत भी बरकरार हो जाएगी। अगर आपने टेंशन को ख़त्म कर दिया, कीने और हसद को निकाल दिया, तो अल्लाह की जो सबसे बड़ी दुनिया में नेमत है, सेहत की नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, वो भी अल्लाह देते हैं। तो दिलों की सफाई ये ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा बैठे हुए, एक सहाबी आए तो कहा जन्नती को देख लो। अंसारी सहाबी वज़ू बनाकर निकल रहे हैं, दाढ़ी से वज़ू के पानी टपक रहा है। दूसरे दिन फिर सहाबा बैठे हैं, फिर कहा जन्नती को देख लो। सहाबा हैरान और परेशान हैं। फिर तीसरे दिन भी वही सहाबी, तीन दिन इस सहाबी ने जन्नत की बशारत ली। कैसे सहाबी होंगे, और अमल के बारे में आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरे सहाबा अव्वल और आखिर और बीच के तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले। इबादत कैसी थी, पूरे साल रोज़ा रखते थे, पूरी रात कुरान पाक की तिलावत करते थे, हर दिन एक ख़त्म कुरान पढ़ा करते थे। आप सोच सकते हैं अमल कैसा होगा। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी के रात में भी बीवी के पास नहीं सोए, शादी के रात में पूरी रात तहज्जुद में गुजार दी। तो कमरे में गए, अल्लाह अकबर नियत बांध ली। बीवी भी परेशान है, क्या बला है, लेकिन बीवी उस वक्त की बीवी थी, शौहर के पीछे वो भी मुसल्ले में आ गई। अब पूरे रात मियाँ बीवी ने मुसल्ले पर रात गुजार दी। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने अपनी बहू से कहा, बेटी रात कैसी गुजरी, खबर पूछा। तो कहा, आपका बेटा तो बड़ा मुत्तकी है, पूरी रात इसने क्या किया, तहज्जुद में गुजार दिया। यानी एक तरह से शिकायत कर दी अपने ससुर को। तो देखिए वालिद कैसा है, उसी वक्त जाकर बेटा पर बरसा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में उनकी शिकायत लेकर गए। वो जाके कहा, अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला तो पूरा साल तो इबादत करता ही है, इस शादी की रात में भी ये नफले पढ़ता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला भेजा, तशरीफ़ ले आए और कहा कि महीने के तीन दिन रोज़ा रखा करो। फिर उन्होंने इसरार किया, नहीं अल्लाह के रसूल में ताकतवर हूँ, मैं रख सकता हूँ। तो फिर आखिर में 15 दिन कहा, उसमें भी नहीं माने। तो कहा, एक काम करो, सौमे दाऊदी रखो कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन रोज़ा छोड़ो, और डेली कुरान ख़त्म न करो, तीन दिन में एक ख़त्म कुरान करो, तीन दिन में एक ख़त्म कुरान करो। अच्छा, इस सहाबा कराम के मजमे में, इस सहाबा कराम के मजमे में ये जो अब्दुल्लाह बिन उमर अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो सहाबी की जो बशारत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये ताज्जुब में थे और शायद दिल में ये सोच रहे होंगे कि मुझसे बड़ा तो इबादत गुजार कोई है नहीं, और अल्लाह के रसूल बशारत दे रहे हैं इनको। तो इसीलिए ये भी उनकी CID में निकल गए, और इनका जो मकान था वहाँ जाकर कहा कि मेरे वालिद से मेरी नाराज़गी हो गई है, इसलिए मैं आपके यहाँ क़याम करने चला आया। तो इन्होंने अपने रात को ठहरा दिया। जब रात को सो गए तो चादर के अंदर से, जैसे बच्चे बदमाशी करते हैं ना, अंदर से देखते रहते हैं, वैसे वो अंदर से CID कर रहे हैं, रात को ये क्या करते हैं। तो ये सोचे कि पूरी रात ही इबादत करेंगे और रो रो कर मुसल्ला गीला करेंगे, अब पूरी रात आंसू बहाएंगे। तो इन्होंने चादर के अंदर से CID करके देखा, तो क्या हुआ, खाना पीना खाकर सुन्नत के मुताबिक इन्होंने बिस्तर को लिया और चादर लेकर अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवैया करके सो गए। एक रात हो गई, फिर दूसरी रात वैसे ही मामला, तीसरी रात वैसे ही मामला। परेशान हो गए कि पूरी रात तो बेचारे सोने में गुजार देते हैं और जन्नत की बशारत, आखिरी दिन में बर्दाश्त नहीं हुआ और पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, वापस होने लगे। तो सहाबी जो थे वो समझ गए, बुलाया, उम्र में बड़े थे, बुलाया, इधर आओ बेटे, और कहा कि मेरा जो अमल ख़ास है वो ये है
कि मेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए हसद नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है, मुझे किसी से तकलीफ़ होती है मैं फ़ौरन उसे दूर कर देता हूँ, मैं सफाई कर देता हूँ, बस यही मेरा अमल है। इसी अमल ख़ास की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की बशारत 3 रोज़ दिए। हमारी और आपकी आज के मुसलमानों की हालत क्या है? सफ़े उला के माशाअल्लाह सफ़े उला में पढ़ने वाले, दिल कदूरत से पाक नहीं, नफ़रत भरा हुआ है, कीना हसद और हिक्द से वो पाकी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कीना हसद बुग़्ज़ दिल की गंदगी है, एक ऐसी गंदगी है कि तुम्हारी सारी रात की तहज्जुद को भी जलाएगी, तुम्हारे रोज़ों को भी जलाएगी, तस्बीह तिलावत भी कोई काम नहीं, हज और बड़े बड़े ज़कात और खैरात किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए दिल को साफ़ कर लो। मुसलमान कौन है, मोमिन कौन है जिसके हाथ से, जिसके ज़बान से दूसरा मोमिन महफूज रहे? वही मोमिन है। इसके अलावा जिसके ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं हैं, वो मोमिन के सफ़ में नहीं है। उसका नाम मोमिन की लिस्ट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा ही नहीं। इसलिए रमज़ान से पहले रमज़ान की एक तैयारी ये भी है कि हम अपने दिलों को पाक कर लें, साफ़ कर लें, जिससे जो कुछ हुआ माफ़ कर दें। किसी ने कुछ कह दिया, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से कह दे कि अल्लाह मैंने तेरे लिए माफ़ कर दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी इज्जत को बुलंद कर देगा, आखिरत को बना देगा। और अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, किसी को कुछ कह लिया, तो चाहे जितनी शर्म आए उसके पास जाकर माफ़ी मांग ले और कह दे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे। तो ये रमज़ान के महीना के आने से पहले सबसे बड़ी ये तैयारी है, अपनी मामलात की दुरुस्तगी कर लें। सारा चीज़ रहते हुए भी अगर दूसरे से बिगाड़ हैं, दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाई है, पीठ पीछे उसको सताया है, उसे गाली दी है, उसके साथ बेईमानी करी है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। बंदे का हक अल्लाह माफ़ नहीं करते, बंदे का हक अल्लाह माफ़ नहीं करते। तो ये रमज़ान की तैयारी में अहम तरीन तैयारी ये भी है कि हम रमज़ान से पहले अपने दिलों को पाक कर लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें। कि रमज़ान से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा को फ़ज़ाइल बताते थे ना, उस फ़ज़ाइल की जो सुन्नत है कि रमज़ान से पहले अपने बच्चों को बैठाए, अपने जानने वालों को, करीबी को बैठे। जैसे अभी जुमा का मौका है तो मेरे ज़िम्मे एक बयान है, तो मैं आपको रमज़ान की फजीलत, रमज़ान की तैयारी, हदीस में जो चीज़ें आई है जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। तो ये सुन्नत से ये चीज़ साबित है, तो मैं तो आपको बता दिया, आपको बताने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी बीवी की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी बहनों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके घर के अंदर जितने मेंबर हैं इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, कम से कम इतना तो कीजिए, जितना सुना आज के जुमे में जाकर अपने माँ बहनों को बताइए, घर में बच्चों को बताइए, अपने मातहत में लोगों को बताइए, आज हमने जुमे में ये बयान सुना है, या फिर फ़ज़ाइल की तालीम कीजिए। माशाअल्लाह हर घर के अंदर फ़ज़ाइल आमाल हैं, उन फ़ज़ाइल आमाल के अंदर हदीस पाक से और कुरान की रोशनी में ये चीज़ें ली गई, उसकी तालीम कीजिए। तो ये भी सुन्नत है, ताकि हमारी माँ बहनों के दिलों में रमज़ान की आज़मत, उसकी अहमियत, उसकी आज़मत दिलों के अंदर बैठ जाए। और इसी तरह से इस महीने में एक ख़ास जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी रमज़ान से पहले, हर रमज़ान के करीब आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे कि अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व तसल्लमहु मिन्नी मुतकब्बला। ए अल्लाह मुझे सलामत रखिए रमज़ान के लिए और रमज़ान को सलामत रखिए मेरे लिए, व तसल्लमहु मिन्नी मुतकब्बला, और रमज़ान मुबारक को मेरे